दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा सण आणि दिव्यांशिवाय दिवाळी जणू अपूर्णच. मातीच्या पणत्या आपल्याला घरोघरी पाहायला मिळतात, पण त्या नेमक्या कुठे बनतात हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. धारावीतल्या कुंभारवाड्यात घरोघरी मातीच्या पणत्या बनवल्या जातात. ह्या पणत्या मुंबईच्या बाजारातही दिसतात. 54 वर्षांचे धनजी भाई गेल्या 40 वर्षांपासून या वाड्यात हा व्यवसाय करतायत. अब कितने साल से ये कर रहे हैं बताओ? 40 साल. अब बताइए, इतने आप 40 साल से कर रहे हो तो अभी इसका प्रॉफिट आपको कैसे मिलता है? मतलब अभी दिया ज्यादा बिकती है या आपको और मेहनत करनी पड़ती है? दिया देते हैं, दिया देते हैं, मेहनत भी करना पड़ता है, दोनों होता है. कितने आपको दिए बनाने पड़ते हैं दिन में? 2000. और अभी ये दिवाली में आपको लग रहा है कि दिए बिकेंगे या फिर कैसे? दिवाली का कुछ मिला नहीं, बारिश परेशान करती है हमको. तो आपको कितना लॉस होता है? लॉस तो हो जाएगा भाई, जो फायदा मिलता है वो नहीं मिलता है, नुकसान मिला, नुकसान फुल भी ज्यादा मार. 44 वर्षांचे हसमुख जेठवा सांगतात की दिवसाला ते 1 ते 2000 पणत्या बनवतात, पण पावसामुळे मात्र या वर्षी त्यांच्या बिझनेसला फटका बसलाय. किती साल से आप बीए बना रहे हो? 20-22 साल हो गया. और किस प्रकार के बीए बनाते हो? दो पैटर्न पाल्टी देती है, एक साथ से बनने के देती है. लेकिन मैंने आपको देखा कि आपके दिए थोड़े अलग नजर आ रहे हैं बाकी के दियों से. ये मशीन के दिए, दूसरे जो प्रेस वाले आते हैं ये हाथ से बनते हैं, दूसरे जो उसका फर्मा रहता है उससे बनता है. ओके. और आज मतलब ये साल की दिवाली आपको प्रॉफिटेबल लग रही है या पिछले साल की दिवाली से? बारिश के हिसाब से थोड़ा नॉर्मल लगता है, क्योंकि बारिश थोड़ा मजा बिगाड़ देती है, तो काम धंधा थोड़ा स्लो हो गया है और मार्केट में गिरा की थोड़ा कम हो गया. कितने में आपको ये बेचना पड़ रहा है और क्या लोग बार्गेन करते हैं? उनको किधर से होलसेल के हिसाब से बेचते हैं, फिर मार्केट में जाके फिर कलर पेंटिंग वगैरह होता है तो उसका रेट बढ़ जाता है, फिर उनके पास से जो बेचने वाले वो लेके जाते हैं, वो 1-2 रुपया और बढ़ाते हैं, फिर वो बेचते हैं. ओके. आप दिन में कितने दिए आपको बनाने पड़ते हैं? 1000-1500 बना लेता हूँ. ओके. और दिवाली के कितने महीने पहले आप अपना काम शुरू करते हो? मैं पूरा साल यही काम करता हूँ. और अभी प्लास्टिक के दिए बाजार में बहुत नजर आ रहे हैं, तो अभी भी है तो आपके हिसाब से जिसके पास बच्चा रहेगा वो बेचते होंगे, बाकी प्लास्टिक के दिए बंद हो गए. ओके. 2 साल हो गया तो प्लास्टिक के दिए होंगे, इस पर कोई असर नहीं हुआ है? ये बेच मतलब ये अच्छे बिक रहे हैं. प्लास्टिक के दिए वो चाइना का माल बंद होने से ये माल का थोड़ा निकाल हो गया ज्यादा. एका फेरीत किमान 10 ते 12 पणत्या चाकावर बनवल्यानंतर त्यांना सुकवलं जातं, मग त्यांना भट्टीत ठेवलं जातं, मग अशा पद्धतीने या पणत्या तयार होतात. या दिवाळीला तुमच्या जवळच्या बाजारात जाण्यापेक्षा या वाड्यात जाऊन अस्सल आणि मातीच्या पणत्या विकत घ्या आणि तिथल्या परिवारांना दिवाळी साजरी करायला मदत करा. रुपाली शिंदे, लोकमत.com.